गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PBR स्टडी में। आज की इस क्लास में हम कुछ विषय सीखने वाले हैं, वो है SURDS यानी कि करड़ी, SURDS बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो करड़ी क्या होती है, इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ये टाइटल और टैग होगा DLED का फोर्थ सेमेस्टर BTC मैथ, जो कि कुछ दिन बाद आपके पेपर होने वाले हैं 14 तारीख से, तो उसी को देखते हुए रिविज़न कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब छोटी छोटी बातों को। देखिए, पहले हम पहचान करेंगे, जब कोई करड़ी n और इंटू अंडर रूट x के रूप में लिखा जाए तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है करड़ी की घात बताइए, या फिर इसमें करड़ी गत क्या है और करड़ी का चिन्ह कौन सा है। तो इसके एग्जांपल में आप पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, अगर यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 2, अब आपसे कोई पूछे, पहला सवाल है ये, इसमें करड़ी गत क्या है। करड़ी गत जानते हैं क्या होता है, परिभाषा में आपको दिख रहा है, जो अंडर रूट के अंदर में होता है वो करड़ी गत होता है। करड़ी गत 3 है, इस करड़ी में घात क्या है, घात क्या है, 2 है। बात समझ गए ना, समझ गए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, करड़ी गत और करड़ी की घात, यहाँ पर आप एक लाइन में दो बातें समझ गए हैं। तो करड़ी का चिन्ह क्या होता है उसको तो आप जानते ही हैं, उसको तो ज़्यादा नहीं बताना फिलहाल। दूसरा सवाल मैं जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, अंडर रूट 17 और यहाँ पर है 4, इसमें करड़ी गत क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में करड़ी गत क्या है, करड़ी की घात क्या है, सिंपल सी बात है, जो करड़ी के अंदर होता है वो क्या है, करड़ी गत है, ये करड़ी गत। और जो 4 है ऊपर वो क्या है, करड़ी घात, और ये क्या है, करड़ी चिन्ह। ये छोटी सी बात है जो कि आपके एग्जाम में एक नंबर के लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। उसके बाद आपको पहचानना होता है कि कौन सी दी गई संख्याएं, जो भी दी गई हैं नंबर, वो करड़ी हैं और कौन सी नहीं है, इनको कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी देखना ध्यान से कैसे होता है। देखिए, कौन सी करड़ी हैं या कौन सी नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम देखते कुछ और हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, चाहे वो इंसानों में देखिए या फिर प्रकृति में देखिए या फिर वैसे आप अनुभव करिए, शायद कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो ऐसे होती नहीं है, और आज के ज़माने में तो ज़रूर नहीं होती वैसी। कैसे, जैसे अगर मैंने कहा 49, ये करड़ी है कि नहीं है, जल्दी बोलो, करड़ी है या नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें अगर मैं आपको दे दूं तो पहला है यस, दूसरा है नो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए, करड़ी कौन होता है और करड़ी कौन नहीं होता है, जिस दी गई संख्या को आप कंप्लीट रूप से उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकें वो करड़ी होती है, माफ़ करिएगा, करड़ी नहीं होती है, और जिसका कम्प्लीटली स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट ना निकले वो करड़ी होती है। तो अगर आप देखोगे 49 अंडर रूट में है, इसका वर्गमूल करोगे तो ±7 आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो ना पूरा, और ये जो 7 आया क्या है, ये रेफनल नंबर है, मतलब ये परिमीय संख्या है। तो क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे इसलिए अंडर रूट 49 करड़ी नहीं है, ठीक ना। ये DLED 4 सेमेस्टर में पहला चैप्टर में है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सब के लिए महत्वपूर्ण है, ये मत सोचिएगा हमारे लिए नहीं है। 10th 12th 11th SSC UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार कांस्टेबल, कोई भी परीक्षा आप देने वाले होंगे, NTPC से लेकर के बैंक की, या आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, तब भी सब के लिए महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, ठीक ना। चलिए ये बताइए आप दूसरा, और उसके पहले, हाँ बहुत बड़ी बात तो मैं भूल ही गया था,
कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पीवीआर स्टडी ग्रुप और पीवीआर स्टडी इलाहाबाद को, तो यूट्यूब पर अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, घंटी की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपकी मोबाइल की घंटी बज सके, कोई भी लेटेस्ट वीडियोज मिले, कोई भी लेटेस्ट लाइव चले आपको तुरंत मिले। ठीक ना, कर लिए इतना? 96 ये करड़ी है कि नहीं है कैसे जानोगे? इसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालोगे, अगर निकल जाएगा तो नहीं है, निकल जाएगा तो नहीं है ना, हाँ निकल जाएगा तो करड़ी नहीं है, अगर नहीं निकलेगा तो है। तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो आप पाओगे ये 4 × 4 × 6 आएगा, है ना, यही होगा ना। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, तो इस तरह से आपका ये 4 और 6 इतना आ रहा है। क्या है ये? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप लिखोगे, चूंकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसलिए अंडर रूट 96 एक करड़ी है। समझ गए ना, करड़ी है कि नहीं है, इसको आप समझ गए। अब होमवर्क लिख लीजिए फटाफट। 81 इनको घर से ट्राई करना और बताना करड़ी है कि नहीं है। ठीक ना, कर लोगे ना? चलिए, हाँ करड़ी घात पहचानना और करड़ी पहचानना, इसको तो आप पहचान ही गए हो पहले से, है ना। करड़ी घात, करड़ीगत और करड़ी घात वाले में भी लिख लो, इसमें बताना कितना करड़ीगत कितना है और करड़ी की घात कितना है, कमेंट करके बताना, घर पे ट्राई करना, कोशिश करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ना करोगे तो फिर जो होने वाला होगा वो ना होगा। ऐसे इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें करड़ी की घात 5 है, करड़ी घात 117 है, करड़ी की घात क्या है कमेंट करके बताना, अपना बताएंगे हम। उसके बाद है करड़ी के नियमों का प्रयोग करके इनकी पहचान कीजिए। अब एक नई आफत आने वाली है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, कैसे करेंगे पहचान। ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई भी अंडर रूट में लिखा गया है वो करड़ी है कि नहीं है, ये तो आप जान गए कैसे पहचानेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे उलझे हुए सवाल मिल जाएंगे जिसमें आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि क्या है। कैसे? पहले नंबर तो आपको करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। अगर आप जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हो तब आप बहुत कुछ कर पाओगे, नहीं जानते हो तो फिर अटक जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहा कि 3 और ये अंडर रूट में क्या है, ये भी लिख लो 3, और प्लस 2 × √3 इसको जोड़िए, तो क्या ये जुड़ेगा? जुड़ेगा ना, क्यों? देखिए अगर करड़ी बराबर है, करड़ीगत बराबर है, मतलब अंदर के नंबर बराबर हैं, तो बाहर बाहर के जुड़ जाते हैं, उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? मतलब समझना, अभी इसमें इसमें अंतर समझना। ये जैसे अगर ऐसे लिखा है, एक तो इसके ऊपर घात होता है जो क्यूब वाला, वो अलग चीज़ होता है, और एक जो होता है जैसे अभी इधर देखना, 18 का अगर हमें क्या निकालना हो, 18 का अगर अभी हमें क्यूब निकालना हो, तो आप देखोगे 2 × 3 × 3 ही आता है ना, ये आता है ना, क्यूब नहीं, चलो वर्ग निकालते हैं, ध्यान देना। तो अगर इसका आप वर्ग निकालते हो तो ये जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा और 2 क्या रहेगा, अंदर में रहेगा। तो वो जो 3 लिखा है, ये इस 3 का मतलब अलग है, और लेकिन अगर ये 3 यहाँ छोटा सा लिखा है इस पे, मतलब समझना, और ये 2 यहाँ छोटा सा लिखा है, तो इसका मतलब अलग है, बात समझ गए ना। फिर मत जोड़ना उसको, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जुड़ेगा भी नहीं, इसका मतलब है कि इसका क्यूब निकालना है, इसका वर्ग निकालना है, ये क्या है, वर्गमूल है,
और ये क्या है, घनमूल है। दोनों में अंतर समझना अभी। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है तो ये अलग है, ये अलग है। क्यों? ये तो उस तरह का आया जैसे यहाँ पे निकला है, मतलब ये किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर आया, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन अगर ये तीन छोटा साइज के ऊपर लिखा है चुरकी के, तो उसका मतलब अलग हुआ। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। और हाँ, कोई भी करड़ी कब जुड़ती है, कब उनका गुणा होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर करड़ी गत जो है वो बराबर है या नहीं है, लेकिन अगर उनकी घातें बराबर हैं तो इनका क्या होता है, गुणा हो जाता है। पहले हम गुणा की बात करते हैं, ठीक है, बाद में अभी जोड़ घटाना सब बात करेंगे। जोड़ने में क्या होता है, जोड़ने में भी वही होता है, करड़ी गत बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा अंडर रूट 5 और यहाँ पर है करड़ी गत 2 और धन ये 3 है और अंडर रूट क्या है, 5 है, ठीक। मतलब समझना, यहाँ नहीं रहेगा, ऊपर खोपड़ी पे नहीं रहेगा, ये सामने इसके रहेगा, बगल में थोड़ा सा ये यहाँ रहेगा, ऐसे ऊपर रहेगा तो अलग हो जाएगा उसका मतलब। अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आपको पता है कि नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या क्या जुड़ेंगे, 2 और ये 3 जुड़ेगा और ये अंडर रूट 5 वैसे रहेगा, तो ये 5 × इतना हो जाएगा। बात समझ में आई ना? लेकिन अंदर अंदर का ये ना जुड़ेगा कि 10 कर दो, वो 10 नहीं होगा। और दूसरी बात समझना भी, यहाँ पर एक छोटी सी और बात है, इनका अगर गुणा करना है तो कैसे करेंगे, पता है? गुणा करते समय क्या करते हैं, जो गुणा होता है ना वो घात बराबर होता है तभी होता है, इनका गुणा ऐसे संभव नहीं है। एक प्रकार से इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में था, माफ़ करिएगा। इनका गुणा संभव है, लेकिन एक तरीके से, सिस्टम से। सिस्टम से क्या है कि जो बाहर वाला नंबर है उसका आप बाहर वाले में गुणा करोगे, यानी कि 2 × 3, और जो अंदर वाला है उसको अंदर वाले में करोगे, ये √5 × √ मतलब ये 5 का 5 में हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला करके फाइनल में ये 6 और ये क्या आ जाएगा, 25। ये गुणा करने का मतलब ये होगा, इतना आएगा। तो ये क्या है, ये इनका गुणा हो गया। बात समझ में आई ना? मल्टीपल हो या डिवीजन हो, चाहे उनका करणीगत या घात बराबर है या नहीं बराबर है, उनका गुणा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जोड़ने में कंडीशन होती है, जोड़ने में कंडीशन होती है। जोड़ने में क्या होता है, जोड़ने में करणीगत नहीं जुड़ता है। अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पता है आपको? इनको दोनों को जोड़ने के बाद 10 नहीं आएगा, ये मत सोचिएगा 10 आएगा। ये 3 2 जुड़ेगा 5 और ये √5 इतना आएगा। तो घटाने में भी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर भाग की बात करें, क्या बात करें, भाग की, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्लियर कर दे रहे हैं। तो साथियों, अगर यहाँ पर हम भाग की बात करें तो भाग में आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं इतना दिया है और डिवाइड बाई क्या है, 4 √10। इसको आप लिख सकते हो 2 × √15 और ये 4 × √10 लिख सकते हो ना, ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये √15 और ये 2 × √10 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, इस तरह से √3 और ये नीचे हो जाएगा 2 × √5। बात समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये इतना हो जाएगा और इसे आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आंसर हो गया इसका फाइनल। हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक। हेलो, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप कोई भी, जो भी एग्जांपल होगा उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी, वो क्या है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, वो ये है कि आप इसको हल करके बताइएगा, एक दे देते हैं, ठीक है। वो क्या है, इसको आप बताना कि √5 और √80
हाँ, यहाँ पर क्या है? दो है और यहाँ पर भी दो है, इसका मान क्या होगा? कमेंट करना, कमेंट करके बताना, फिर हम देखते हैं फिर क्या आप जानते हो क्या नहीं। इसके बाद आगे आपसे एक प्रकार का और इसमें सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में, वो क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। करड़ी के नियमों का प्रयोग करके करड़ी पहचानिए। क्या करना है? करड़ी के नियमों का प्रयोग करके करड़ी पहचानिए कि ये करड़ी है कि नहीं है। जैसे अभी हमने आपको सिंपल सिंपल दिखाया था, 49 जैसे करड़ी है कि नहीं है आपने बताया था, 48 दिखाया था, 45 दिखाया था, उसी तरह से अब आपको बताना है करड़ी के नियम का प्रयोग करके कि ये करड़ी है कि नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं, आप अपना दिमाग लगाइएगा और बताइएगा, ये इतना है ठीक है, ये करड़ी है कि नहीं है इसको आपको बताना है। तो चलिए लग जाइए जल्दी से फटाफट। पता है आपको करड़ी का नियम? मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसका क्या है, देखिए घात होता है एक एक उसका, ये देखो ये मैंने गलत लिखा है, छोटा सा रहेगा ये, इस पे क्या रहेगा यहाँ पर छोटा सा, ये पहचान होती है कि ये क्यूब का चिन्ह है ठीक ना, ये बस इसमें बाकी और कुछ नहीं है, ये क्या है? क्यूब का चिन्ह होता है, ये पहचान होती है। तो इस तरह वाले में क्या करते हैं, अंदर अंदर का गुणा होता है रूट रूट के, तो ये 16 चौका 64 हो गया और ये 3 का 3 वैसे रह गया, ये इतना बड़ा लिखना ये गड़बड़ है, ऐसा भूल के भी मत करिएगा, ये 3 ऐसे, बात समझ गए ना? लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखें, कैसे, ये 4 और ये 3 और ये 3 और ये 16, तो ये 9 आ सकता है और ये 64 हो सकता है, बात समझ गए ना? मतलब ये फिर नंबर में काउंट हो जाएगा, वो उसका गुणांक हो जाएगा, फिर अंडर रूट 3 का गुणांक हो जाएगा अंडर रूट 4 का, लेकिन ये उसमें गुणांक नहीं है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ये करड़ी है कि नहीं है, कितना, ये पूरा करड़ी है कि नहीं है, तो ये करड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी इसका जब क्यूब निकालोगे आप, तो 4 चौका 16 चौका 64, आपको 4 मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक रेफनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये करड़ी नहीं है, बात समझ गए ना? ऐसे आपको हल करना है और बताना है करड़ी है कि नहीं है, और आप क्लियर कर ले जाओगे ठीक ना। इसके आगे अगर हम चलें तो देखिएगा, उसके पहले आपको बता दें पीवीआर स्टडी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे स्पेशल वीडियो को देखने के लिए, और अब आपकी अपनी सारी क्लास बिल्कुल फ्री कर दिया गया है यूट्यूब पर, जीरो लेवल मैथ, डीएलएड मैथ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, यूपीटीईटी, आरआरबी एनटीपीसी, सारी क्लास बिल्कुल फ्री, जो भी क्लासें उपलब्ध होंगी अब बिल्कुल फ्री होंगी, ताबड़तोड़ आपकी सारी क्लास एक साथ चलेंगी। और दूसरा बात क्या करना है, आपको अपने सभी दोस्तों को पीवीआर स्टडी से जोड़ना है, टारगेट है कि 2 लाख मेंबर आपके स्टूडेंट हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2019 तक, आपके पास समय है कितना, 50 दिन का, 50 दिन में आपको जोड़ना है 70,000, 50 दिन में 70,000 स्टूडेंट जोड़ना है, और आप लोग कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है, क्योंकि 1,20,000 ये संख्या हो चुकी है, कितना हो चुकी है, 1,20,000 हो चुकी है, और इसी 5 दिन में लगभग ये जो 10,000 कम है इसमें ये भी पूरा हो जाएगा, इस तरह से 1,30,000 हो जाएगा, बचेगा 70,000, आपको 70,000 पूरा करना है, बात समझ गए ना? तो साथियों कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, बात समझ रहे हैं ना? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बहुत पुरानी लाइनें हैं ना, तो हम उन्हीं पुरानी लाइनों के साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो थी ना पहले बहुत अच्छी थी, इस समय कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं जो जिनका बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही मतलब कम है। ये करड़ी है कि नहीं है, ये करड़ी है, कैसे, देखिए इसका भाग करोगे तो अंडर रूट 32 और ये अंडर रूट आएगा 27, इसका अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये हल नहीं होगा, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता ना, घनमूल निकलेगा कुल मिला करके अगर, हाँ इसका आप घनमूल निकाल भी लेते हो तो ये देखो, हाँ घनमूल निकाल काहे लोगे, यहाँ पे कहीं 3 तो लगा नहीं है, यहाँ पे 2 लगा है, तो इनका ना वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा ना घनमूल निकलेगा, अगर ओ सॉरी घनमूल अगर होता तो निकल जाता 27 का, लेकिन घनमूल तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, अतः ये एक करड़ी है ठीक, क्या है, एक करड़ी है।
उसके बाद आ जाता है करणियों का नियम, और सजातीय करणी और विजातीय करणी आ जाता है। हाँ, तो करणी का नियम तो हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें आपको एक और बता देते हैं, सजातीय करणी। सजातीय करणी वो कहलाती है जिन्हें एक ही अपरिमेय गुणनखंड में बदला जा सके। देखना, सजातीय करणी देखना, लाइक अनलाइक है ना, वही तो होता है, लाइक शर्ट्स। तो ये क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो क्या है, जैसे 3 और ये 5 और ये 7 और ये 5, ये क्या है, दोनों सजातीय करणी हैं। इनका जो करणीगत है वो बराबर होना चाहिए, तो सजातीय करणी कहलाती है। बात समझ में आई ना? दूसरा देखना, जैसे अगर मैं बोलूं कि √12 और √25 है, 75, ये क्या है, सजातीय करणी है कि नहीं है? अब आप कहोगे यार इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है, इसमें तो 5 5 बराबर था लिख दिया, लेकिन इसमें तो कुछ है ये नहीं है, 75 ही 12 है, कहाँ सजातीय, ये तो गड़बड़ है, नहीं है। लेकिन है ये सजातीय करणी। कैसे, इसका आपको वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल करोगे तो ये 2 × √3 आएगा, और इसका भी आप वर्गमूल करोगे, काट के देखना, 75 को 3 से कटेगा पहले, 25 × 3 = 75 होता है ना, 25 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल, ये देखो 5 आएगा और ये 3, देखो बराबर हो गया ना अंदर अंदर। ये क्या है, ये सजातीय करणी है, ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक ना? ये तो हमने एक ही क्लास में बहुत कुछ शामिल कर दिया, अगर आप ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो फिर मुश्किल होगी आगे। ठीक, आगे चलें, चलिए। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब आपकी क्लास फ्री कर दी गई, जो आप 1500 जमा करते थे फीस, वो भी माफ़ कर दिया गया है, तो अब आपका थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने घर फैमिली में, अपने मित्रों को। घर में आपके मम्मी का फ़ोन है, पापा का है, भैया दीदी अंकल आंटी भाई जी किसी का है, सब में सब्सक्राइब करिए। भले हर कोई क्लास नहीं देखता है, लेकिन संख्या बढ़ाना है, कहते हैं ना, थोड़ा भौकाल भी बनाना पड़ता है। तो पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब करिए जल्दी से फटाफट। ये नंबर देखने पे बड़ी खुशी होती है कि हाँ 2 लाख लोग जुड़े हैं, 5 लाख जुड़े हैं, 1 मिलियन लोग जुड़े हैं, बाकी क्या सब थोड़ी देखते हैं, ठीक है ना? चलें, लेकिन बात को हमारे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक है करणी का सरलतम रूप। करणी का सरलतम रूप क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ शर्ट्स। जैसे कि करणी का सरलतम रूप की कंडीशन होती है वो क्या होती है, करणी चिन्ह के न्यूनतम संभव घात हो। पहला लिखिए, सरलतम रूप कब माना जाता है, लिखिए करणी चिन्ह की न्यूनतम। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए देखिए क्या है, 2 लाइनें, करणी चिन्ह के न्यूनतम संभव घात हो, करणी चिन्ह के अंतर्गत कोई भिन्न ना हो। मतलब जो हम हल करें, सिंप्लीफाई करें अगर करणी वाले सवाल को एकदम लास्ट तक, तो उसमें कोई भिन्न के रूप में ना आए नंबर, और वो क्या हो, जो उनकी घातें हों न्यूनतम संभव घात हो, मतलब कम हो एकदम, जितना हो सके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक हल करते हैं, सिंप्लीफाई करना हमें, 125 / ये है का दूसरा वाला नंबर जो है 18, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हल करना है, तो कैसे करोगे? देखिए अगर यहाँ पर, हाँ एक बात है, यहाँ पे 3 है, मतलब इनका घनमूल करना है, तो आप इसका तो घनमूल कर दोगे, यहाँ पर देखना ये 5 × 5 × 5 हो जाएगा, नीचे देखो तो ये 2 × 3 × 3 हो जाएगा, बस इतना ही होगा ना, यानी इसका तो क्यूब रूट बन जाएगा, 3 3 के जोड़े बन रहा है, बस नीचे वाला अटक जाएगा, तो क्या करेंगे, ये भी ना अटके किसी तरह से इसका भी घनमूल निकालेंगे। निकालने के लिए इसमें ये 2 अकेला है, इसको 2 बार 2 और चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा विस्तार से लिख देता हूँ, देखना भागना मत, ये 2 × 3 × 3, ठीक ना?
ये दो तिहाई क्षेत्रीय 18, मैंने 18 का ही लिखा है, जगह बढ़ाया लिखने के लिए। तो मित्रों इसका जोड़ा बन जाए तीन तीन का, क्योंकि घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक दो चाहिए और एक दो यहाँ चाहिए, यानी कि दो दो हमने मिलाया इसमें अलग से ये, और ये भी एक तीन इसमें कम है, एक तीन भी चाहिए, मतलब हमें दो दूना चार तिहाई 12 चाहिए नीचे, तब ये इसका घनमूल बन सकता, नहीं नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम मिला देंगे इसको, 12 हो गया, लेकिन ऐसा कहीं रूल है नहीं कि आप एक को दे दो दूसरा खाली बैठा रहे, दोनों को देना पड़ेगा। तो आपने इसमें 12 से गुणा किया था, भले फुटकर फुटकर में ही किया था, तो ऊपर भी हमने क्या किया, 12 से गुणा कर दिया, बस हो गया काम। ऊपर ये 5 आ जाएगा, नीचे अब ये हो जाएगा क्यूब रूट, तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे 6 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 12, और ये 3, बस ये आंसर हो गया। बात समझ गए ना इसको कैसे हल करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको खुद से करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वहाँ पे वो बनी बनाई नहीं होती हैं, तो ये वैसे ही था। और मैं साथियों आज आपका ये जो डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का कोर्स है ना, वो पूरा हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जो रही सही कसर थी वो भी मैंने पूरा कर दिया। हाँ बाकी कुछ जो भी चैप्टर में कुछ कम पढ़ाया गया होगा, वैसे तो लगभग सब कुछ हमारी कोशिश से पूरा हुआ है, आप लोग अपने सुझाव कमेंट करिएगा, उसको भी पूरा करवा दिया जाएगा। और हाँ हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, टाइम बहुत कम है, 70,000 स्टूडेंट्स पूरे करने हैं आप लोगों को, अगर आप लोग इन बातों को समझेंगे तो 31 दिसंबर तक 2 लाख की संख्या पूरी हो जानी चाहिए, जो कि 1,20,000 के अभी है आसपास में, तो ठीक है, नहीं तो जनवरी से आपका जो 2020 से फिर से शुल्क लग जाएगा, तो फिर आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि एक बार हमने और मौका दिया था लेकिन आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो कोशिश करिएगा, आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज में जो भी बॉयज़ हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उन सभी को बताइए, शेयर करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यहाँ पे कोई हम गंदी चीज़ नहीं सिखाते, अच्छी चीज़ सिखाते हैं, बात समझ गए ना। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया इन्हीं बातों के साथ, जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद जुड़े रहिएगा आप PVR स्टडी के साथ।